अबे यार, तू क्या सोच रहा है? अबे यार, कल रात में ना मैंने बहुत सारी दारू पी ली। उसके बाद मैंने रात भर ये सोचा कि मैं दारू पीना छोड़ दूं यार। अच्छा, सच में? हाँ यार, फिर मेरे को याद आया कि नशे में इतना बड़ा फैसला करना सही नहीं है यार। सुनो जी। हाँ जी, बोलो क्या बात है। अब कोई ऐसा साबुन ला दो जिससे नहाकर मेरा भाई गोरा हो जाए। अबे यार, कौवा कितना भी वॉशिंग पाउडर से नहा लेना, वो बगुला नहीं बन जाएगा। Hey, हाँ, I love you. I love you too. But, तू करके दिखाओ जरा दो को प्यार। अरे तुमको इतना सा इंग्लिश भी नहीं आता, तुम्हें को तो कह रहे हैं। ये पहला लंगड़ा जो लंगड़ा नहीं है। इसका मतलब तुम सबके सब तानिया को बेवकूफ बना रहे थे। कौन तानिया बे? ये तानिया कौन है? दिखने में अच्छी है, एड्रेस दे। अरे नताशा की ही बात कर रहा है, तानिया नाम है उसका असली। माने नताशा भी असली नहीं है, वो भी हमारी तरह नकली है। बेबी, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? तो मैं भी मर जाऊंगा। क्यों? अरे तुम्हारी वजह से मुझ पे इतना सारा लोन जो है। नो 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 नो। अगर हमारे देश के लोगों ने लॉकडाउन का सही ढंग से पालन नहीं किया तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। इसका मतलब मैं फिर से कुवारा हो जाऊंगा। यार बहुत ठंड है, जैकेट डालना। हेलो ससुर जी, आपकी लड़की में तो दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो दिमाग की तो कोई बात ही नहीं हुई थी, आपने तो हमारी लड़की का हाथ मांगा था। क्या ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? हाँ? क्या सोचा क्या था तुमने कि तुम गांव छोड़कर शहर चले जाओगे, मैं तुम तक पहुंच नहीं पाऊंगा? आप मैं इनकी माँ। मामा जी, मामा जी, मामा जी, जोनू मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। अबे साले, इसकी उम्र में हम सोचते थे टीवी के अंदर घुसते कैसे हैं? बेबी, वैलेंटाइन्स आ रहा है, तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे? बेबी मैं सोच रहा हूँ आपको एप्पल का फोन दूँ। क्या? एप्पल ले लो, संतरा ले लो, तरबूज ले लो, सब्जी वाले हो क्या? कंगला कहीं का। अबे कहाँ भागा जा रहा है? भाई पुलिस स्टेशन, भाई मुझे जेल जाना है। जेल? क्या किया? भाई बीवी को सर पे डंडा मार दिया है। अबे मर गई क्या? नहीं, बच गई, पर अब मैं नहीं बचूंगा। तू खड़ा हो जा पप्पू। जी सर। बताओ वचन कितने प्रकार के होते हैं? सर वचन दो प्रकार के होते थे। होते थे कि होते हैं? नहीं सर, अब वचन तीन प्रकार के होते हैं। कैसे? पहले अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन थे, जब ऐश्वर्या की शादी हो गई तो वो भी बच्चन बन गई और अब बच्चन तीन प्रकार के हो गए। सुनो जी, लव मैरिज और अरेंज मैरिज की परिभाषा बताओ। अरेंज मैरिज की परिभाषा, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। और लव मैरिज की परिभाषा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। चलो बेबी भाग चलते हैं। इस बैग में क्या है? पैसे। कहाँ से आए इतने पैसे? तुम्हारे लिए माँ के सारे गहने बेच दिए। माँ के गहने बेच दिए? फिर तो तुम एक दिन मुझे भी बेच दोगे। सुनो जी, आप इतनी देर से कहाँ थे? अबे यार, वो पड़ोस वाली भाभी है ना, मैं उनके कपड़े उतार रहा था यार। क्या बोल रहे हो? बे चोतिया की पट्टी, वो बीमार हो रखी है, नीचे लेटी हुई थी, बारिश आने वाली है। उन्होंने मेरे से कहा जाके मेरे कपड़े उतार लाओ, छत पर टंगे हुए। साड़ी सोच सही कर ले अपनी, गंदी सोच। ऑपरेशन करना पड़ेगा भाई आपका। ऑपरेशन? घबरा क्यों रहे हो? डॉक्टर साहब, पहली बार ऑपरेशन होगा मेरा। तो इसमें घबराने की क्या बात है, मैं भी तो आज पहली बार ऑपरेशन करूंगा। काजल, अपन कोल्ड ड्रिंक कौन से मौसम में ज्यादा पीते हैं? अरवा में पीवे, गमरी में। काजल वो गमरी नहीं, वो गर्मी है। अरे कुछ भी हो, मैं तो कोको कोला पीऊंगी और फिर वो गाना गाऊंगी, और कोका कोला तू खा लेगू। हाँ भाई, क्या चाहिए? भैया कमला पसंद है क्या? हाँ भाई, मेरे को तो बचपन से ही पसंद है, बस यार मेरे लिए बात कर ले यार। सुनो जी, लड़की असली में रो रही है या नाटक कर रही है,
ये कैसे पता करे? अबे यार, इसको पता करने का तो एकदम आसान आइडिया है। वो कैसे? अबे यार, जब तक भैया रोती हुई लड़की की नाक से बुलबुला ना निकले, समझ जाओ भैया वो नाटक कर रही है, रो नहीं रही है। काजल, आज मैं कुछ मीठी चीज बना रहा हूँ, बता तेरे लिए क्या बनाऊँ? अरे वो बना ले सूजी को हबलो। काजल, वो सूजी का हबला नहीं, वो हलवा है। अरे कुछ भी, मैं तो मुँह सांध लूंगी सारा का सारा है, और बर्तन भी ना मांजूंगी। मेरे तो कहा, मेरे तो हर आम को मुँह लग रहा है। सुनो जी, आज भाई का फोन आया था, उसे 50,000 रुपए चाहिए। अबे 50,000 रुपए चाहिए? साड़ी तेरे मुंह पे चपेड़ मारूंगा, उसका मुंह फोड़ दूंगा। साली 50,000 का पेड़ पे उगते हैं? तुम्हारे भाई का फोन आया था। अबे यार, तो पूरा एटीएम उठा के दे देना उसको, साड़ी उसी के लिए तो काम करते हैं। सुनो जी, करिए डॉक्टर साहब, सुबह से चक्कर आ रहे हैं। अपना हाथ दो, ये लीजिए। अरे तुम्हारी नब्ज तो बिल्कुल ठीक चल रही है, एकदम घड़ी की तरह। हाँ, क्योंकि तूने नब्ज नहीं घड़ी पकड़ रखी है, गधे के बच्चे। सुनो जी, एक बात बताओ, लड़के अच्छे होते हैं या हरामी होते हैं? अबे लड़के एक नंबर के साड़े हरामी होते हैं। अगर मम्मी बोल दे कि बेटा 30 किलो का सिलेंडर यहाँ वहाँ उठा के रख दे, तो सालों की कमर टूट जाती है, अतड़िया फटने लगती हैं। और वहीं गर्लफ्रेंड साली चाहे 50 किलो की हो, चाहे 60 किलो की हो, चाहे 70 किलो की हो, उसको गोदी में घुमाएंगे, गोदी में उठाएंगे, गाना गाएंगे, साले हवा में उछालेंगे, तब सालों की अतड़िया नहीं टूटती हैं। अरे भाई, धूप में क्यों खड़े हो? यार मैंने कपड़े धो के डाले थे और आधे घंटे में सारे कपड़े सूख गए। लेकिन यार मैं 1.5 घंटे से धूप में खड़ा हूँ, लेकिन मेरा पसीना ही नहीं सूख रहा। दया चाय ला जरा। चाय लाना मत, ऐसा बोल रहा था क्योंकि पहले मैं नहाऊंगा, बाद में चाय पियूंगा। अरे बाप रे बाप, साला पेशाब लग गया, क्या करे? सा सा सा। अरे बहन जी, मुतने तो दो। सर, बाथरूम उधर है, ये प्लेन का दरवाजा है। नो, 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 नो। भाई भाई, तेरी वीडियो वायरल हो गई, 500 फॉलोवर हो गए तेरे। अच्छा दिखा, देख कौन है तू। साले बड़े लोग दिखे नहीं, तलवे चाटना जाते। क्यों जी, इस बारी आटा कहाँ पिसवा के आए हो? हमेशा वाली जगह पर। ध्यान कहाँ रहते हैं आपका? आधी जाती औरतों को ताड़ रही होंगी, खूब जानती हूँ आपको मैं। नहीं, मैं वहीं खड़ा था, देख रहा था। तो व्हाट्सएप में लगी होंगी, बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम्हारा घर के कामों में बिल्कुल मन नहीं लगता। नहीं, लेकिन हुआ क्या है बताओ तो? तो सारी रोटी जल क्यों रही है? अबे साड़ी, एक बात बता, ये हमारा लौंडा साला पूरे दिन करता क्या रहता है? हैं, खाली लौंडियाबाजी करता रहता है, छिछोर पंथी करता रहता है, टीवी देखता है, और भी कुछ काम करता है साला? तुझे पता है, पड़ोस वाले शर्मा जी की लड़की ना 99% नंबर लेकर आई है पेपर में, और बाकी 1% वो हमारा लौंडा लेकर आया है। फिर ये बताओ कि ताजमहल किसने बनवाया? जी मिस्त्री ने। अरे गधे, मेरा मतलब है किसने बनवाया? जी ठेकेदार ने बनवाया होगा। के है दुकान में? हम ही हैं। क्रीम उरीम है, गोर होने वाला? गोर होने वाला? हाँ है। तो अपन बेटिया की कहे नहीं लगा देते हैं, बहुत सीनियर करिया है। का? जाओ सुने। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलो। जो आपने ये पर्ची के पीछे दवाई लिख कर दी थी ना, वो सारे शहर में नहीं मिली। बेवकूफ, वो तो पर्ची के पीछे मैं अपना पेन चलाकर देख रहा था। हेलो सासू माँ। हाँ दमाद जी। आपकी बेटी में तो दिमाग नाम का कोई चीज ही नहीं है। दमाद जी, आपने तो उनका हाथ मांगा था, दिमाग की तो कोई बात नहीं करी थी। तो दिमाग का फ्रिज में रखा हुआ है। ऐसी कौन सी चीज है जिसको खींचो तो वो छोटी हो जाती है? अबे भाई क्या पूछ लिया, मुझे नहीं मालूम, तू ही बता दे। अबे भाई बीड़ी। तुम मुझे क्या दोगी? तुम जो भी मांगोगे। ओए यस। तुम सबके सामने प्रॉमिस कर रही हो? हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गए तो? तुम सवाल तो पूछो। डिवोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? लो, वेरी सिंपल, तलाक। यस यस, जीत गया, शाबाश मैन। नहीं यार, तुम हार गए। क्योंकि तलाक उर्दू का लफ्ज है, हिंदी का शब्द नहीं। तुम जितना भी सोचोगे ना आरव,
तुम्हें डिवोर्स का शब्द हिंदी में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में डिवोर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो शब्द कैसे? मान ले सानू के पास 20 रुपए हैं। कौता है बे 20 रुपए? 10 के 10 रुपए मुझे अभी चाहिए मेरे 10। अबे मास्टर तो देख ले पहले क्या कह रही है, यूं कह रही है मान ले। अबे साले बावला है मास्टर, मानने को हर बार मुझसे ही मन मांगा। सुनो जरा 500 रुपए देना। क्या करेगी 500 रुपए का? अरे दो ना जल्दी। अरे यार तू परेशान बहुत करती है, ये ले। लो। क्या किया तूने? तुम्हारी शिमला वाली चाची है ना, उन्होंने शादी का कार्ड भेजा था व्हाट्सएप पे, मैंने 500 रुपए का शगुन भेज दिया। अरे भाई जल्दी चल, जल्दी हुआ क्या? जल्दी चलिए पकड़, हुआ क्या? अरे जल्दी तो बताओ, अरे बता चले हुआ क्या? जल्दी चलो, क्या हुआ क्या? बिरयानी बन रही है। अरे तुम्हें कोई अकल वकल है या नहीं? लोग चाय का धंधा डालते हैं, कपड़ों का धंधा डालते हैं, और तुम सांप बेचने लगे हो। अरे तुमसे सांप कौन खरीदेगा? अरे हमारे यहाँ सांप खरीदने वाले भी कम नहीं है, लोग ये सोचकर सांप खरीद रहे हैं कि चलो हमारे काम आए ना आए कम से कम पड़ोसी के घर में तो छोड़ सकते है। सुनो जी, अपना लड़का बहुत निकम्मा हो गया है, मैं जहाँ भी पैसे रखती हूँ ना वहाँ से वो ढूंढ लेता है। एक काम कर, उसकी किताब में रख दे, साल कभी नहीं ढूंढ पाएगा। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? तू चेक कर, डॉक्टर तू है कि मैं? नर्स, इसको आईसीयू में डालो, इसकी किडनी लीवर दोनों खराब है। हाँ, क्या बोले कि मेरे से घुटने में दर्द है? डॉक्टर तू है कि मैं? हाँ, नहीं। अरे नहीं, 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 सॉरी सॉरी। ताला लगा कर आए हो ना, कल पड़ोसी के घर में ताला तोड़कर चोरी कर लिए। हाँ, इसीलिए मैं अपने ताले को अपने साथ में लेकर आया हूँ, अब देखता हूँ साले कैसे तोड़ते हैं, ये मेरा फेवरेट ताला है। हे भगवान, क्या करूँ इस आदमी। सुनो जी, आप कहाँ से आ रहे हो? अबे यार मैं टट्टी करने के लिए गया हुआ था खेतों में। अच्छा, आपने हाथ धुला नहीं? अबे यार हाथ धो लिया मैंने। सच सच बताओ। अबे भाई दो बार हैंड वॉश से हाथ धो लिया और एक बार सैनिटाइजर भी लगा लिया यार। अच्छा, कुल्ला किया आप? अबे यार मैं पिछवाड़े से हगता हूँ, मुँह से नहीं हगता हूँ, जो जाके कुल्ला करूँ, साड़ी सब कुछ धुलवा ले तू मेरा। Hi V-Mate friends. Hi guys, मैं हूँ भुवन। And I'm आशीष। आप सपना? तुझे पता है V-Mate अपने क्रिएटर्स को कितना दे रहा है? 100 करोड़। V-Mate अपने क्रिएटर्स के साथ शेयर कर रहा है पूरे 100 करोड़, तो क्या सोच रहे हो? Go and search V-Mate. V-Mate दे रहा है 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने का मौका। बनिए V-Mate क्रिएटर, शेयर करिए 100 करोड़ रुपए। सर्च V-Mate, वीडियो शूट करो और पैसे कमाओ। तो देर किस बात की, वीडियो बनाइए, पैसा कमाइए। चले हमें भी वीडियो बनाना है।